अमावस्या के एक दिन पहले महीने की सबसे अंधेरी रात को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक साल में 12 से 13 शिवरात्रियां होती हैं। माघ के महीने में आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस समय ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इक्विनॉक्स यानी विषुव से ठीक पहले के इस समय के दौरान ग्रह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल एक खास तरह से काम करता है और ये बल ऊपर की ओर गति करता है। इस बात को अनुभव करते हुए योगिक परंपराओं ने यह नियम बनाया कि कोई भी इस रात को लेटेगा नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ताकि आप ऊर्जा के इस प्राकृतिक चढ़ाव का पूरा लाभ उठा सके और ऊर्जा ऊपर की ओर जा सके। पुराणों में ऐसी कई शानदार कहानियां हैं जो लोगों को बताती हैं इस दिन का महत्व क्या है और क्यों यह इतना खास है। कर्नाटक के कुछ इलाकों में इस रात बच्चों से कहा जाता है कि वो जाकर लोगों के घरों पर पत्थर फेंकें। उस दिन आप ऐसी शरारत कर सकते हैं और इसे अपराध नहीं माना जाता। दरअसल आपको ऐसा करने के लिए शाबाशी मिलेगी क्योंकि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जगा दिया जो सो रहा था। बेशक लोगों ने उठकर शिव का नाम नहीं लिया, उन्होंने आपको कोसा, पर कोई बात नहीं, कम से कम वो उठकर बैठ तो गए। इस दिन हमारे तंत्र की ऊर्जा में एक प्राकृतिक चढ़ाव होता है। लेटे रहना हमारे तंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा, इसे लंबवत यानी बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। आप जितने लोगों को जानते हो उन्हें ये बात बताएं। उन्हें आधी रात को फोन करें। पूरी रात हर एक घंटे में अपने परिचितों को फोन करें। भले ही वो आपको कोसें, कोई बात नहीं, वो उठकर बैठ तो जाएंगे। आप उन्हें उठाकर एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी हिस्सा लें, चाहे आप यहां हों या कहीं और, सीधा बैठें और जागते रहें। ये रात केवल जागरण की रात न रह जाए बल्कि आप सभी के लिए जागृति की रात बन जाए। यही मेरी कामना और आशीर्वाद है कि आप सभी महादेव की कृपा के पात्र बनें।